राहुल जी, पूरी पूरी कांग्रेस पार्टी, सर पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन भी हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लीगल मैटर है, पर ये हुआ है लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ संजीव, अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। संजीव, वन मिनट संजीव। नो लुक, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। आई हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज स्केर्ड ऑफ माई नेक्स्ट स्पीच। He is scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he is terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production. Why is the defense ministry not asking this question? Manjuri, please. Ek minute, Manjuri. सदस्यता की रद्द हुई तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए, तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सबका, सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। रंजीता, जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है, आपको अफसोस है उस बयान को लेकर? क्या कहेंगे उस बयान पर अब? देखिए, अभी ये लीगल डिस्कशन है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं।